दिल्ली के बाद अब यूपी में भी एक और कार चालक युवक को रौंदता हुआ आगे बढ़ा। कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर हजारों लाइक्स और ढेरों कमेंट्स के साथ वायरल वीडियो के पीछे वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप सब देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष और मैं हूं अनामिका यादव। स्वागत है आप सभी का हमारे शो वायरल वीडियो से दिखती है दुनिया उठपटांग में। दरअसल मामला यूपी के गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक बार फिर चलती कार युवक को रौंदती हुई दिखती है। हालांकि कुछ ही दूर आगे जाने के बाद कार चालक अपनी गाड़ी को रोक देता है। जब तक गाड़ी वाला ब्रेक लगाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लड़का गाड़ी के नीचे ही फंस चुका होता है। खास बात यह है कि वायरल वीडियो में नजर आ रही गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गाड़ी पर विधायक प्रतिनिधि भी लिखा हुआ है, जबकि इस सड़क हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है। ट्विटर पर इस वीडियो को अपलोड होने के कुछ ही देर बाद ढेरों कमेंट्स आए हैं, जिसमें एक यूज़र लिखता है, बात साफ है कि सोशल मीडिया पर वीडियो रील्स पोस्ट करने के चक्कर में लोगों की जान जा रही है, फिर भी लोग नहीं सीख रहे। अब इस केस को ही देख लीजिए, किसको दोष दें, एक रोड पर बैठा है तो दूसरे को दिखा नहीं। वहीं इस पूरे मामले पर SP कविनगर ने आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करते हुए गाड़ी को कब्जे में लेकर चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी और भी खबरों के लिए आप देखते रहें एनटीवी निष्पक्ष।